सारी साध संगत जी नू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो साध संगत जी अज असी आए हाँ गुरद्वारा श्री बुरज साहिब माई देसा पातशाही दसवीं जो कि जिला बठिंडा दे विच स्थित है। चलो अज तुहानू इस गुरद्वारा साहब के दर्शन करवाइए अते इत्थों दे इतिहास तो जाणू करवाइए। नहीं नहीं इस पवित्र स्थान नू दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की चरण छोह प्राप्ति है। अठारह जेठ 1706 ईस्वी नू साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माता साहिब कौर अते माता सुंदर कौर समेत माई देसा जी दे घर आए सन। माई देसा जी अपने इस घर बुरज साहिब विच इकले रहिंदे सन। पति दी मृत्यु तो बाद माता जी दी आखरी इच्छा सी कि उन्हां दे गुरु कलगीधर दशमेश पिता जी उस दे घर चरण पाउण। माता देसा जी अपने पति नाल एक बार आनंदपुर साहब जा के श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तो चरण पहल अते नामदान लै आए सन। माता जी हर वक्त प्रभु भक्ति विच लीन रहिंदे सन। माता जी ने गुरु गुरु करदिया एक चिट्टे रंग दा खेस गुरु साहब लई बुन के रख्या होया सी जिस दे कन्निया ते रेशम दे लाल डोरे पाए सन। माता देसा जी दी अध्यात्मक अवस्था बहुत उच्ची हो गई सी। माता देसा जी हर वक्त यही अरदासा करते कि हे कलगीधर दशमेश पिता जी मेरे घर चरण पाओ मैनू निमाणी नू दर्शन दे के नदरी नदर निहाल करो। माता देसा जी दी भगती दी धू अरदासा दी भावना गुरु साहिब तक पहुंचती रहिंदी सी। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी जंगा युद्धां तों वेले होके तखत श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो ठहरे हुए सन तां इस पिंड विच्चों भाई फतेह सिंह अते भाई राम सिंह परिवार समेत गुरु गोबिंद सिंह जी दे दर्शनां नूं पहुंचे अते गुरु जी तो अमृत छक के सिंह सजे। गुरु जी ने भाई राम सिंह नूं कहा कि असीं तुहाडे पिंड आउणा चाहुंदे हाँ। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की यह गल सुन के भाई फतेह सिंह अते भाई राम सिंह दोवें भरा बड़े अचंभित होए अते हैरान भी। उन्हां सोचिया असी सारा परिवार सारा पिंड गुरु जी के दर्शन करन इत्थे आए हाँ पर गुरु जी इन्नी तपती गर्मी विच भी साडे पिंड क्यों जाना चाहते हैं। गुरु जी ने भाई राम सिंह अते भाई फतेह सिंह नूं हुक्म किया कि तुसी पिंड जाके तैयारी करो असी तुहाडे पिंड छेती आवांगे सानू कोई वैरागन रूह याद करती है। सारिया यह गल सुन के सोचा दे घोड़े दौड़ाए कि साडे पिंड अजिही कीड़ी रूह है जिसनों कलगीधर दशमेश पिता जी आप दर्शन दे के निहाल करना चाहते हैं। धन धन ब्रह्म ज्ञानी माता देसा जी की अवस्था तो सारा पिंड अते शरीकी कबीले वाले लोग अणजान सन। अखीर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी माता देसा जी की भगती की खिच सरका माई देसा दे पिंड आए। जिस चुल्ले अते तवी दे तुसी दर्शन कर रहे हो इस चुल्ले चुरते माता देसा जी ने हत्थी प्रशादा तैयार करके साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नूं छकाया अते हत्थी बुनिया होया पवित्र खेस भेंट कीता। जेठ दी तपती गर्मी होण ते भी गुरु साहिब जी ने खेस दी तह खोल के उपर लै लिया अते तीन वार धन तेरी सिखी धन तेरी सिखी धन तेरी सिखी कह के माता दे सिर ते हथ रख के तिन्ने लोकां दी सौंधी करवा दित्ती। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने माता देसा नूं कहा बीबी तेरी साईं दर सुमाई है। जिस बुरज साहिब विच गुरु जी रहे उस दीआं कच्चीआं कंधां कड़ियां बालिआं दी छत अज भी गवाह बण के उस समें दा दृश पेश करदी है। कलगीधर दशमेश पिता जी ने माई देसा दे घर नूं अपना घर होण दा वर दित्ता। गुरु जी ने कहा कि यह मेरा घर है मेरी कृपा सदा इत्थे बनी रहेगी। जो भी प्राणी 40 दिन नंगे पैर इस स्थान ते हाजरी भरेगा उसकी हर मनोकामना संपूर्ण होवेगी। माता देसा जी दी प्रेमा भगती तो खुश होके दशमेश पिता जी ने अपनी दस्तार साहिब माई देसा जी नूं दित्ती अते माता सुंदर कौर जी ने भी अपनियां खड़ावां। माता साहिब कौर जी ने अपने जुत्ते धन धन माता देसा नूं
निशानी वजों दिते अते जो वस्तां गुरु गोबिंद सिंह जी दी शरीरक जो प्राप्त हो गईयां उह सारियां निशानियां माता देसां जी ने संभाल के रखियां अते उन्हां दी सेवा करते रहे। माता देसां दे सपुत्र ब्रह्म ज्ञानी बाबा संगू सिंह जी इन्हां दी सेवा संभाल करते रहे। इस तो बाद माता देसां जी दे भतीजे बाबा सुखा सिंह जी ढिल्लों वंशज ने इन्हां निशानियां दी अस्थान दी सेवा संभाल कीती। सन 1706 ईस्वी तो माता देसां जी दा परिवार इन्हां निशानियां दी सेवा संभाल करदा आ रहा है। इस स्थान ते सितंबर विच पहले श्राद वाले दिन धन धन माता देसां जी अते धन धन ब्रह्म ज्ञानी बाबा संगू सिंह जी दी सालाना बरसी मनाई जांदी है। दिन वेले गुरु जी भाई फतेह सिंह भाई राम सिंह द्वारा तैयार किए खिप्पां सरकंडे दे काठ दे बंगले विच बिराजदे सन जिथे पिंड दे बाहर गुरद्वारा पातशाही दसवीं है। इस स्थान तो गुरु जी पिंड भागू हुंदे होए बठिंडे किले विच गए सन। Thank you.
ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।